दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के 70% लोग पूजा करते हैं? पता है कैसे? कोई पीटीआई की पूजा करता है तो कोई नून लीग की। नवाज शरीफ के फ्लैट्स पकड़े जाएं तो नून लीग वालों पर फ़र्ज हो जाता है कि उसने उसे डिफेंड करना है, और इसी तरह जब पीटीआई में इमरान खान की गड़ी पकड़ी जाए तो पीटीआई वालों का फ़र्ज बनता है कि वो उसे डिफेंड करे। ये पूजा नहीं तो क्या है? तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अपना हीरो लीडर चूज़ करें, लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न होनी चाहिए। इसलिए आज मैं वो रीज़न बताने जा रहा हूँ जिसको जैसे मैंने अपने हीरो को चूज़ किया। तो दोस्तों, मेरा हीरो मुझे कहता है कि अल्लाह ने जब तुम्हें उड़ने के लिए पर दिए हैं तो चोटियों की तरह ज़मीन पर क्यों रेंगते हो? जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों चोटियों की तरह रेंग रहे हो ज़मीन पर? वो कहता है कि नौकर ना बनो, नौकरियों के झंझट से निकलो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। मेरा हीरो मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, उसने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं, उन बातों को सच साबित करके दिखाया। उसने अपनी ज़िंदगी में वो कारनामे किए हैं जिनको सुन के लोग सिर्फ यही कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है। जहाँ जाके लोग बिस्मिल्लाह से बात शुरू नहीं करते ताकि सुपर पावर नाराज ना हो जाए, बिस्मिल्लाह तक नहीं पढ़ते स्पीच से पहले, मेरा हीरो वहाँ जाकर कहता है इयाका नाबुदु व इयाका नस्ताईन और फिर जाके अपनी बात शुरू करता है। इयाका नाबुदु व इयाका नस्ताईन, वहाँ जाके इस्लामिक लेक्चर देता है, कहता है वी बिलीव ऑन वन गॉड मीन अल्लाह, वी विल फाइट टिल डेथ। माय बिलीफ इज ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन एंड वी विल फाइट। सारी दुनिया के सामने इस्लामिक लेक्चर दे रहा है। मेरा हीरो अमेरिका को कहता है कि तुम्हारी पॉलिसीज गलत हैं, यानी कि सुपर पावर को समझाने की कोशिश कर रहा है, सुपर पावर को उंगलियां दिखा के बात करता है, कहता है कि डू मोर क्या है, मेरे लोगों की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी गोरी चमड़ी वाले लोगों की कीमती है, कहता है ड्रोन आएगा तो मार गिराएंगे, और फिर हद देखो एब्सोल्युटली नॉट कह देता है, और अपनी आवाम को कहता है गुलामी से निकलो, हकीकी आज़ादी की तरफ आओ। कैसी बहकी बहकी बातें करता है, इतना पागल हो गया है। कहता है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान खुद करेगा, कहता है हम कोई गुलाम हैं, जो तुम कहो हम मान लें। देखो, इसको पता ही नहीं है कि हम गुलाम हैं और हमें उन्हीं की बात माननी। कैसा बेवकूफ़ इंसान है, हमारे सरों से अमेरिका का हाथ उठाना चाहता है, हमें बेयारों मददगार छोड़ना चाहता है, गुलामों को आज़ादी के ख्वाब दिखाता है, उनको भटकाने की कोशिश करता है, और फिर सजा भी तो मिलती है, फिर सुपर पावर ने सजा दी उसे। और मेरा हीरो ऐसा है कि सुपर पावर को उसको ख़रीदने के लिए पैसे कम पड़ गए, तो सुपर पावर में उन्हीं पैसों में पूरे मुल्क के सियासतदान खरीद लिए। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरा हीरो भीखा नहीं और डरा भी नहीं। फिर मेरा लीडर जाके इन सब सियासतदानों और सुपर पावर ने मिल के गिराया मेरे हीरो को। तो शायर ने मेरे हीरो के लिए कह दिया था पहले कि गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तगल क्या करेगा जो घुटनों के बल चलेगा। लेकिन मेरा हीरो अभी भी बाज नहीं आ रहा, अभी भी हर जलसे में उंगलियां दिखा दिखा के अमेरिका को कहता है कि मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। ओ अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम हो कौन, हमें माफ करोगे? तो दोस्तों, ये रीजंस हैं जिनकी वजह से इमरान खान मेरा हीरो है। आप भी अपने हीरो की रीजंस लाजमी बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा।